हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जो हमारा थ्री पोल ए पावर कॉन्टैक्टर रहता है, ये पावर कॉन्टैक्टर में क्या क्या पार्ट्स लगा है, इसको कैसे मेंटेनेंस करना है वो मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ये जो कॉन्टैक्टर है इसको पूरा खोल के क्या क्या पार्ट का क्या काम है वो मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेगा तो आप बराबर जवाब दे सकता है। इसीलिए मैं आज आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, तो भी आप लोग को पूरा समझ में आएगा। मैं पहले आप लोग को ये जो कॉन्टैक्टर है इसमें क्या क्या पार्ट्स लगा रहता है वो मैं एक बार बता देता हूँ। उसका बाद इस जो कॉन्टैक्टर रहता है इसका जो डायग्राम रहता है वो कैसे रहता है वो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले जो है ये हमारा, इसमें एक टर्मिनल रहता है, मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहता है, और ऑपरेटिंग कॉयल रहता है, और कॉयल का टर्मिनल रहता है और कोर रहता है। कंडक्टर है, इसका डायग्राम कैसा रहता है आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आप आसानी से देखा सकता है। देखिए ये हमारा क्या है, कॉयल, ये तो आप लोग को मालूम है, कॉयल का सिंबल ऐसा होता है। इसमें एक साइड में A1 लिखा रहता है, दूसरा साइड में A2 लिखा रहता है, तो इसी में हमको सप्लाई देना पड़ता है। 110 वोल्ट का कॉयल का सप्लाई होगा तो ये इसमें सप्लाई देना पड़ेगा, नहीं तो 230 वोल्ट होगा तो आपको 230 वोल्ट सप्लाई देना। अभी मेरा पास जो ए है, ए इसका कॉयल सप्लाई जो है ये 230 वोल्ट AC है, तो मैं इसको 230 वोल्ट AC सप्लाई दूंगा। ये हमारा क्या है, कॉयल है, तो अभी कॉयल का साथ इसका बादी ड्राइंग में ऐसा है। तो अभी देखिए इसमें ये हमारा क्या है, L1 है, L2, L3 है, और इसका सीधा नीचे में L1 का जगह पे जिधर हमारा लोड कनेक्शन होगा उधर ऐसा लिखा रहता है T1, T2 और T3। और अभी क्या है, ये कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने के लिए बहुत सारा कॉन्टैक्टर में ऐसा रहता है, इसका साइड में इसका एक साथ में ही रहता है। ये जो है ये हमारा क्या है, एनो ब्लॉक लगा रहता है। जैसे हमारा कॉइल में सप्लाई जाएगा, ये अभी सब एनो है, ये सब कॉन्टैक्ट जो है ये सब अभी एनो कॉन्टैक्ट है, ये NC हो जाएगा। तो हम इधर से जो थ्री फेज सप्लाई देगा तो ये हमारा कॉन्टैक्टर जो है ये NC होके हमारा लोड में सप्लाई चला जाएगा। तो अभी ये देखा है, ये हमारा क्या कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने के लिए पुश बटन से सप्लाई देने के लिए है, लेकिन अभी हमारा पास जो देख रहा है ये हमारा क्या एक बड़ा इसमें थ्री टर्मिनल है, इसमें RYB देने का और इधर लोड कनेक्शन करना है, जिधर देखा जा रहा है T1, T2 और T3, इधर ही हमको लोड कनेक्शन करना है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। तो अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूं, तो इसके लिए हमको क्या है कूल टूल्स लेना पड़ेगा। जैसे हमारा एक बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा, और इसका अंदर में जो ये जो फिक्स्ड वाला जो कॉन्टैक्ट है इसको किट बोलता है, फिक्स्ड किट बोलता है, और मूविंग वाला जो किट है उसको निकालने के लिए, एक फिक्स्ड वाला को निकालने के लिए हमको एक एलिंग की जरूरत पड़ता है। तो पहले मैं इसका ऊपर वाला जो कवर है वो मैं निकाल लेता हूँ। ये कॉन्टैक्टर आप देख, जैसा देख पा रहा है ये हमारा ये 54 वाला कॉन्टैक्टर है, इससे सीमेंस का है, इसमें पूरा रेटिंग दिया है आपका कितना किलोवाट, कितना वोल्टेज में कितना किलोवाट आप चला सकता है, वो पूरा इसमें नेम प्लेट में है, आप उसका हिसाब से ये लगाना पड़ेगा। आपको जैसा दिखाई दे रहा है मैं आप लोग को देखा रहा हूँ, आप इसका हिसाब से इसमें लोड कनेक्शन करना है। तो अभी मैं उसको ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के लिए, कवर ओपन करने के लिए इधर आपका लिखा ही रहता है, तो आप उसका हिसाब से इसको खोलने का। तो ये जो अनलॉक होता है ये ऐसा देखिए, ये आपको जो अनलॉक के लिए दिया है ये एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाएगा, थोड़ा प्रेशर देके घुमा देगा तो ये स्क्रू जो है बाहर आ जाएगा, देख रहे हैं बाहर आ गया। दोनों में ऐसा खोल देना पड़ेगा आपको, खोल दिया तो अभी मेरा कवर गया है। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो हमारा है
ये सब जो है आर वाई बी लगने के लिए, इसमें एल वन एल टू एल थ्री वाला जो है इसको ही हमको टर्मिनल बोलते हैं। इधर भी तीन है और इधर भी तीन है। और अभी दूसरा वाला जो है ये जो है ये हमारा क्या है, अभी मैं इसका कवर खोल दिया तो इसीलिए अंदर नहीं जा रहा है, ये मूविंग है, अंदर बाहर होता है। तो आपको क्या है इंटरव्यू में पूछेगा, तो ये वाला जो है ये मूविंग वाला कीड है, इसको कैसे चेंज करना है, ये खराब हो जाता है किसके। तो अभी देखिए इसको टेस्टर का मदद से ये वाला जो पिन है इसको थोड़ा ऊपर आप खींच लेने का, बाद में इसको ऐसा करके निकाल लेने का। देख रहा है ये निकल गया, ये खराब हो जाएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये अभी नया है तो आपको ये ग्रिप जो है इसका साथ बराबर बैठा देना पड़ेगा। तो आप ऐसा करके इसको चेंज कर सकता है, ये जो मूविंग वाला किट है। और ये वाला जो है ये हमारा फिक्स्ड किट है, इसको कैसे चेंज करना है, इसको आप एलेंगी का मदद से ये जो है इसको ऐसा थोड़ा खोल देने का, ये थोड़ा ज़्यादा टाइट रहता है, आपको आराम से खोलना पड़ेगा और बराबर थोड़ा इसको घिस के टाइट कर देना पड़ेगा। जैसे देख पा रहे हैं दोस्त, मैं अभी खोल लिया इसको, आप इसको ऐसा करके चेंज कर सकता है, ये इसका साथ कनेक्टेड रहता है टर्मिनल का साथ। तो मैं इसको भी खोल लिया है, कैसे चेंज करना है एक एक मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मैं ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा फिक्स्ड वाला जो टर्मिनल है इसको कैसे खोलना है, इसको खोलने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा है जिसमें एक पॉइंट एनओ है और दूसरा पॉइंट जो है एनसी है, इसमें हमको कॉन्टैक्टर होल्डिंग करने के लिए कनेक्शन देना पड़ता है। तो इसको आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को थोड़ा आपका नीचे का तरफ थोड़ा प्रेस करना है, प्रेस करके आप इसको बाहर ऐसा करेगा तो ये निकल जाएगा। देख रहे हैं निकल गया। तो आपको एक प्रैक्टिकल ऐसा कॉन्टैक्टर को खोलने के लिए बोलेगा, तो आप ऐसा खोल सकता है, मैं जैसे आप लोग को बता रहा हूँ। ये खोल दिया, तो दूसरा तरफ भी है तो इसको भी आपको ऐसा खोलना पड़ेगा। ये जो पिन है इसको थोड़ा बाहर का तरफ करने का, ऐसा निकाल देने का। तो उसका बाद आपको ये ऊपर वाला पोर्शन आप खोल सकता है। उसके लिए देखिए नीचे में आपका दो स्क्रू लगा है, ऊपर में भी दो स्क्रू लगा है, इसको मैं पूरा आपको खोलना पड़ेगा। मैं पहले इसको खोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अभी चार स्क्रू ले इसको मैं निकल रहा हूँ। तो जब आप निकलेगा तो इसमें एक थोड़ा सा करके मार्किंग कर देने का, जैसे बाद में आपको लगाना का टाइम पता चलेगा ये वाला जो पोर्शन है इस साइड में रहा था वो उस साइड में रहा था, क्योंकि लगाने के टाइम का आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोग को ऐसा बता रहा हूँ। तो अभी मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, धीरे धीरे निकलने का, किसको इसका अंदर में चार ऐसा पेशा स्प्रिंग दिया गया है। तो ये मैं आप लोग को उल्टा करके थोड़ा देखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें हमारा एक आर्मेचर है और एक कोर है। ये हमारा क्या है, ये कॉयल है। ये मैं आपको उल्टा तरफ निकाल के कैसे चेंज करना है वो मैं बाद में आप लोग को बताऊंगा। इसमें कोर है और इसमें क्या है, ये आर्मेचर है। जैसे इसको मैग्नेटिक कॉयल में जब आप सप्लाई देगा तो इसको अंदर खींचेगा, तो अब हमारा ये जो सर्किट है ये क्लोज होके इधर सप्लाई आएगा, हम इधर सप्लाई देके रखेगा तो हमारा इधर लोड चलेगा। तो इसके में मैं अंदर में कैसे रहता है ये मैं आप लोग को बताया। अभी देखिए ये वाला जो फिक्स्ड वाला जो टर्मिनल रहता है, ये टर्मिनल को मान लीजिए इधर स्पार्क होकर खराब हो गया, इसको चेंज करने के लिए ये देखिए उल्टा तरफ ये जो स्क्रू है ये सब स्क्रू खोलेगा, एक एक जो ये जो हमारा टर्मिनल है ये निकल जाएगा। आप ऐसा करके इसको चेंज कर सकता है, आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आप ऐसा खोल के उसको बता सकता है। तो अभी मैं इसको धीरे धीरे लगा दे रहा हूँ, उसके बाद इसका पीछे का तरफ कॉयल में कैसा खोलना पड़ता है, कॉयल कैसा चेंज करना पड़ता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। थोड़ा टाइट कर दिया हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो मैं किट निकाला था जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उसको मैं फिर से लगा देता हूँ। तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए इसको कैसे चेंज करना है। ये जो पिन है इसको ऊपर आपको ऐसा खींचना पड़ेगा, इसका अंदर से ऐसा आपको डाल के इसको छोड़ देना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार हिला के देख लेने का बराबर बैठा कि नहीं बैठा है। अभी जो ये जो मैं फिक्स्ड वाला किट खोला था जिसको फिक्स्ड कॉन्टैक्ट बोलता है, इसको मैं एलेंगी का मदद से लगा दे रहा हूँ। इसको थोड़ा अच्छा से एलेंगी का मदद से टाइट कर देने का, क्योंकि लूज होगा तो इसमें ये सब कॉन्टैक्ट खराब होने का चांस रहेगा।
तो अभी ये वाला जो कवर का अंदर देख रहा है, ये इसमें अंदर बाहर होता है, ये जो है लॉकिंग वाला सिस्टम का है। जब तक आप इसको नहीं लगाएगा ऐसा करके, तब तक ये वाला पोर्शन जो है ये अंदर नहीं जाएगा, ऐसा ऐसा करके नहीं चलाने का, क्योंकि इसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर फंस जाएगा तो खराब होने का चांस है। कवर लगा के आप जो भी चेक करेंगे, कवर लगा के ही चेक करने का। तो मैं इसको लगा दे रहा हूँ। तो लगाने के लिए ये वाला जो स्क्रू है, ये आपको क्या है, घड़ी जो घूमता है ना उसी तरफ आपको घुमाना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर को लॉक करने के लिए, मतलब क्लॉक वाइज आपको स्क्रू ड्राइवर घुमाना पड़ेगा थोड़ा प्रेस करके। देख रहे हैं अभी लग गया, तो अभी मैं इसको प्रेस करके देख रहा हूँ, ये हमारा सही है। तो अभी मैं आप लोग को इसका जो कॉयल रहता है अंदर में, वो कॉयल को, ये जो कॉयल है आप लोग देख रहे हैं, ये 230 वोल्ट वाला इसका कॉयल है। ये कॉयल में दो टर्मिनल है, एक में देख रहा है A1 और A2 है, हमारा कॉयल लगा है और इसमें A1 A2, इसमें हमको 230 वोल्ट सप्लाई देना है। आप फेज न्यूट्रल दोनों में कहीं से भी दे सकते हैं, इधर आप फेज दे सकते हैं, नहीं तो इधर न्यूट्रल दे सकता है, नहीं तो इधर फेज और न्यूट्रल दे सकता है। अभी आपको इंटरव्यू में पूछेगा, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इसका कॉयल खराब हो जाएगा तो कॉयल आप कैसे रिप्लेस करेगा, तो वही मैं आप लोग को बता दूँ। इसका थोड़ा पीछे में उल्टा कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें आपको आसानी तरीका से है, मैं आप लोग को जैसा बोल रहा हूँ आप ऐसा कर सकता है। देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पिन, दो पिन दिया है लॉक करने के लिए, ये लॉक इसीलिए ये कवर हट जाएगा, वो हमारा जो पोर्शन है वो निकल जाएगा। देखिए ये पिन को थोड़ा आप अंदर प्रेस करेगा, ऐसा प्रेस करके आपको बाहर का तरफ लेना पड़ेगा। देख रहे हैं, ऐसा बाहर आपको लेना पड़ेगा, दोनों को आपको बाहर लेना पड़ेगा। बाहर ले लिया, ये वाला कवर जो है इसको ऐसा ऊपर में खींच लेने का, ऐसा करके आप उठा लेने का। देख रहे हैं कैसे मैं निकाला, तो इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप एक चीज़ ध्यान रखने का, आप इसको उल्टा नहीं लगा देने का, क्योंकि आप बाद में इसमें कनेक्शन नहीं कर पाएगा। तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ कैसे कॉयल चेंज, देखिए ऐसा ये निकल गया, देख रहे हैं ये कैसे निकल गया है। तो आप इस आसानी तरीका है, आप ऐसा करके इसको चेक कर सकता है इसका कॉयल खराब हो गया कि नहीं हो गया। आपका मल्टीमीटर का मदद से इसको चेक करना पड़ेगा। ये कॉयल देखिए, मल्टीमीटर में लिया हूँ, मल्टीमीटर का दो लीड है, तो इसको पहले आपको क्वांटिटी में रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा इसको साउंड में दे देता हूँ। देखिए हमारा कॉयल सही रहेगा तो इसमें साउंड आएगा मल्टीमीटर में, देख रहा है इसमें साउंड आ रहा है, तो मतलब मेरा कॉयल सही है। तो आप ऐसा करके चेक करने का, बाद में ये जैसा था आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। देखिए ये आपको सही तरीके से बैठाना पड़ेगा, ये ऐसा था, आप इसको पकड़ के जस्ट ऐसा करके डाल देने का, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो बाद में इसके आप ऐसा करके कवर ला देने का, ये अंदर में ऐसा करके कवर घुसा के इसको ऐसा डाल देने का। बाद में ये जो पिन है, ये वाला पिन जो है, ये वाला पिन इसको अंदर ऐसा करके डाल देने का, मैं जैसे डाल रहा हूँ अब ऐसा इसको पिन को डाल देने का। ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगता है, इसको क्या कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग करने के लिए जो हमारा सप्लाई देना पड़ता है, उसके लिए भी हम इसको यूज करता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, आप इसको ऐसा आराम से बैठा देने का और अंदर का तरफ ऐसा करें, इस ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसका अंदर में ऐसा घुस जाना चाहिए, ये दो जो पोर्शन है ऐसा घुसा के अंदर में ऐसा प्रेस कर देने का, हो गया। अभी अभी दूसरा वाला भी देखिए, ये वाला पोर्शन में ऐसा लगाया, ये आसानी तरीके से मैं अभी बैठा दिया हूँ। तो अभी मैं इसमें कॉयल में A1 में A2 में सप्लाई देंगा, सप्लाई दे के ये जो कॉन्टैक्ट आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। सप्लाई दे दिया, एक फेज और न्यूट्रल है, कॉयल में मैं सप्लाई दे दिया हूँ। तो अभी मैं इसको ऑन करके मल्टीमीटर में क्वांटिटी में रख के देखता हूँ, इसमें इधर से मैं पावर सप्लाई दिया तो इधर पहुँचना चाहिए, तो हमारा मल्टीमीटर में क्वांटिटी आना चाहिए। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, देख रहा है मैं इसको ऑन किया हूँ, ये अभी मेरा ऑन है। तो मल्टीमीटर में मेरा ऐसा ही मल्टीमीटर मेरा क्वांटिटी में रखा हूँ, तो मैं दो लीड अभी मैं शॉर्ट किया तो आवाज़ आएगा। तो अभी मैं दो पॉइंट जो है इसमें लगा के देख रहा हूँ, देख रहे हैं अभी मेरा कॉन्टैक्ट इसमें है। तो ये जो हमारा टर्मिनल है ये भी सही है, इसका अंदर जो फिक्स्ड और मूविंग जो कॉन्टैक्ट है वो भी सही है,
वो सही है तो हमारा जो सप्लाई इधर से इधर जाएगा, तो इसीलिए अभी मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आ रहा है। दोस्त हमारा वीडियो कैसा लगा है एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए, और आपको एक कॉन्टैक्टर के बारे में कोई सवाल है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट करिए और एक लाइक कर दीजिए दोस्त। और आप हमारे चैनल में नया है तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे हम आप लोग के लिए ऐसा वाला वीडियो ले आ सकता है। आज के लिए इतना तक है, अगली वाला वीडियो में मिलता हूँ, धन्यवाद।